कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत थे ना? तो फाइनली वेट इज़ अवर, क्योंकि एसआरके के मूवी अर्थात शाहरुख खान के मूवी पठान के ट्रेलर फाइनली आ चुका है। कैसा हुआ है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप लोग की एक्साइटेड हो? चले आइए देख लेते हैं कैसे हुआ है पठान ट्रेलर। ओहो, स्पाई यूनिवर्स के जो लोगो है ना, उसे रिवील करते हुए पता प्राइवेट टेरर ग्रुप जो किसी मकसद के लिए नहीं बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। मैम, वी हैव अ रेड फ्लैग। बहुत बढ़िया, प्लानिंग अ मैसिव अटैक और उनका टारगेट है इंडिया। तो मास्क पहन रहे हैं। बहुत एक ऐसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये नेगोशिएशन नहीं, पठान के बनवास का टाइम खत्म हुआ। ताली पठान के घर पे रखोगे? तुम्हें मन्नाबाजी के लिए पठान तो आया। और पटाखे भी लाएगा। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। बढ़िया, हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? पठान द हंटर, हंटेड। आखिरी सलाम कहना। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। तो दोस्तों, फाइनली देख लिया पठान की ट्रेलर। एक शाहरुख खान की डाई हार्ट फैन इस ट्रेलर को देख कर तो कहेगा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं एक न्यूट्रल ऑडियंस के तरह सोचकर, एक निरपेक्ष ऑडियंस की तरह देखकर, एक व्यूअर की तरह मैं इसको देखकर जैसा रिएक्शन देता हूँ कि कैसा हुआ है, बहुत बढ़िया क्या बहुत घटिया। पहले शुरू कैसा होता है, सूरज वायर का जो लोगो है स्पाई यूनिवर्स का, उसको रिवील करते हुए स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या देखा ना, जॉन अब्राहम एक विलन का रोल प्ले कर रहा है, उसके कंधों पर एक हैंड जो मिसाइल होता है ना, हैंड मिसाइल, उसके वो दाग रहा है, किसी कार के ऊपर दाग रहा है। पहले ये सीन दिखाया गया है। और उसको पठान की मूवी में जॉन अब्राहम विलन के रोल प्ले कर रहा है, ये आप जानते ही होंगे। तो जॉन अब्राहम का जो एक प्राइवेट संतरासवादी, क्या कहते हैं, प्राइवेट आतंकवादी एक ग्रुप है जिसके लीड कर रहा है जॉन अब्राहम। ओके, तो इस ग्रुप का नाम है आउटफिट एक्स, जो प्लान कर रहा है, क्या कर रहा है ना, इंडिया में बड़ा हमला करने के लिए प्लान कर रहा है। जॉन अब्राहम को बोलते हो सुना, हम लोग सुन रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हमला कभी हुआ नहीं, इंडिया देखा नहीं ऐसा हमला होने वाला है। शाहरुख खान के एक डायलॉग बहुत बढ़िया दिया है कि पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और साथ में बम भी लाएगा, पटाखे भी लाएगा। बहुत बढ़िया डायलॉग है। अब जब वालों सुनोगे ना, सिनेमा वालों जब सुनोगे आपका गूज़बम फील होगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आपको एक और एक डायलॉग है जो जॉन अब्राहम कह रहा है शाहरुख खान को कि आपने भारत माँ को एक आखिरी सलाम देना, क्योंकि वो हमला करने वाला है इंडिया में और बहुत बढ़िया हमला करने वाला है। तब क्या कह रहा है शाहरुख खान, कह रहा है एक सोल्जर कभी ये नहीं सोचता देश उसके लिए क्या किया है, बल्कि एक सोचता ये है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। एक बहुत बढ़िया डायलॉग जो सुन के आपको सच में बहुत बढ़िया फीलिंग होगा, गुजबम फील हो जाएगा आपको सच में। पूरे 2 मिनट 26 सेकंड के ट्रेलर है, इसमें पूरा एक्शन पैक ही एक्शन पैक मास ऑडियंस के लिए बनाया गया है मूवी। जो मास ऑडियंस है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएगा, बहुत ही इन्जॉय कर पाएगा। फुल एक्शन आपका अच्छा लगेगा, मुझको भी पर्सनली अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगेगा।
मैं तो रेटिंग दूंगा, 5 में 4 रेटिंग दे ही दूंगा, बहुत बढ़िया हुआ है। आप लोग जाकर देख सकते हो।